अध्यक्ष जी, आज जो ये पीसी का आयोजन किया है, किस विषय में किया और क्यों किया है? ये जो हमारी पहलवान लड़की बैठी हैं जंतर मंतर पर दिल्ली, इनके विषय पर आज हमने ये पीसी रखी है कि कुछ लोग एक बिरादरी की लड़की बता रहे हैं, जो कि वो मेडल लाई थी उस टाइम पूरे भारत की लड़की थी, और पीछे खाप चौधरी ने पंचायत भी की थी, वो थोड़ी सी चौधरी साहब से गलती होगी, उसकी उन्होंने माफी मांग ली है। अब ये पूरे भारत की लड़की है और ये 25 दिन से लड़की वहीं पे धरने पे बैठी है, आज तक ना तो उसकी कोई गिरफ्तारी हुई ना कोई काम हुआ। ये बीजेपी सरकार इतनी निकम्मी, और हमें तो ऐसा लगा ये मोदी जो, इसके बच्चे तो है ही नहीं, इसे बच्चे इनका कोई प्रेम भाव का पता ही नहीं है। कल 20 तारीख में आपका दिल्ली कोच को लेकर एक कार्यक्रम होना था, तो उस कार्यक्रम के विषय में क्या है? हमारा कार्यक्रम यह है कि हापुड़ जिला, गौतम बुद्ध नगर जिला, अध्यक्ष जो मेरठ मंडल में जिले हैं टोटल सब, कल राष्ट्रीय कार्यालय नवेडा इकट्ठा हो रहे हैं, और 3 जिले इकला से स्टार्ट होकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों गाड़ियों द्वारा अपने अपने वाहनों से निकलेंगे और सब राष्ट्रीय कार्यालय इकट्ठे होकर और दिल्ली कूच करेंगे। भारतीय किसान संगठन जो दिल्ली कूच कर रहा है, किस लिए कर रहा है और किस लिए समर्थन दे रहा है? उन लड़कियों के सम्मान के लिए समर्थन देने के लिए जा रहे हैं, और उन लड़कियों के सम्मान के लिए ही दिल्ली कूच कर रहे हैं। कोई प्रशासन से परमिशन ना मिलने की भी बात सामने आ रही है, क्या पूरा मामला है? जी, प्रशासन ने हमसे कल एक बात रखी है रात कि हाईवे पे ट्रैक्टर नहीं चलने गए, ये हाईवे हमारी जमीन पर बने हैं, हमारे ही ट्रैक्टर ना चलें। मोदी जी का हेलीकॉप्टर और सब धंधे, इन अगर हमारे ट्रैक्टर रुक रहे हैं तो ये विधायक सांसद के भी इनसे रुकने चाहिए, वो भी ऐसे ही कच्चे रास्ते में चले जैसे हम चल रहे हैं, तो हमारे ट्रैक्टर तो हाईवे पर चलेंगे, चाहे प्रशासन रोके या ना रोके, जेल भेजे कुछ भेजे, हमारे तो हाईवे पर चले चलेंगे ट्रैक्टर। जिलाध्यक्ष हापुड़, भारतीय किसान संगठन से, कल दिल्ली कूच कर रहे हैं आप, तो किस वजह से कर रहे हैं और क्या क्या आपके प्लानिंग है? दिल्ली कूच जो हमारी वहाँ बहन बैठी हुई है उसी के सपोर्ट करने के लिए उन्हें हम यहाँ से कूच कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संगठन के, उन्होंने हमें कुछ निर्देश दिए कि भाई ये जो भी हो रहा है बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। जब कोई उपलब्धि आती है तो पूरे भारत की होती है, और जैसे ही कोई ऐसा कोई मैटर सामने आए तो फिर एक जाति हो जाती है, जाट, गुजर, यादव, राजपूत या पंडित, उसमें ये डिवाइड कर देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, और इसे इसी के लिए कि वो हमारी बहन हैं, हमारे देश का उन्होंने पूरे वर्ल्ड में गौरव बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, उन्हें ही सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ से दिल्ली पहुँचे। कांग्रेस पार्टी का संगठन मंत्री रहा हूँ यूपी का, सदस्य हूँ आजकल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का और काफी दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसको लेकर भारतीय किसान संगठन कल दिल्ली कूच कर रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भारत की बेटियां जब देश के गौरव के लिए, सम्मान के लिए काम करती हैं, तो तमाम हिंदुस्तानी अपना सीना चौड़ा करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। आज ये सरकार उन बेटियों के सम्मान की हिफाजत नहीं कर पा रही है, उनके साथ जो बदसलूकी उनके एक नेता द्वारा की गई है उसको कोई दंडित नहीं करने का काम कर रही है। एक तरफ ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ बेटी के सम्मान को तार तार करने का काम करते हैं। सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि पिछले लंबे समय से भारत की बेटियां अपने लिए न्याय मांगने के लिए धरने प्रदर्शन पर बैठी हैं, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हिंदुस्तान के लिए कि देश के अंदर ऐसी सरकार जो ढिंढोरा पीटती है बेटी के सम्मान बचाने का, आज वो उन बेटियों के चीरहरण करने पर लगी हुई है, बजाय उनकी बात पर न्याय करने के, उनको इंसाफ दिलाने के, उल्टा उस नेता का बचाव सरकार के द्वारा किया जा रहा है जिस पर दाग लगाए गए हैं, जिस पर इल्जाम है। आज हम लोग उन किसानों के साथ, ये किसी एक जाति धर्म का मैटर नहीं है, ये भारत के पहलवान बेटियों का मैटर है, और इसमें किसान भी मजदूर भी तमाम कांग्रेस के लोगों का ऐसा मानना है कि हम लोग पूरे ताकत के साथ जहां अन्याय होगा, चाहे किसान के साथ हो मजदूर के साथ हो, ये तो बहन बेटी का मामला है, हम लोग तन मन धन से पूरी तरीके से उनके सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे और इन लोगों के साथ रहेंगे। जिस तरह देश की राजधानी में ये प्रदर्शन चल रहा है, तमाम तरह के संगठन समर्थन देने पहुंच रहे हैं, तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी का भी तमाम समर्थन है, हमारे बड़े बड़े नेता भी वहां पहुंचे हैं, अभी कल रणदीप सुरजेवाला जी वहां थे, भूपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा से मुख्यमंत्री रहे हैं वो वहां पहुंचे हैं, और प्रियंका जी खुद वहां मिलकर के आई है। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, एक तरफ जहां कर्नाटक जैसा चुनाव चल रहा था, हम लोग इतने बिजी थे, इस सब के बावजूद भी चुनावों से ऊपर हमारे नेताओं ने इस दर्द को महसूस किया और चुनावों को छोड़कर उन बेटियों का समर्थन करने के लिए हम पहुंचे हैं। उसकी गंभीरता को कांग्रेस मानती है, कांग्रेस भाजपा की तरह आंख बंद करके नहीं बैठ सकती है। हम लोग अगर शासन हमारा होता तो 3 दिन के अंदर उसे सजा मिल गई होती, और पद से तो 24 घंटे के अंदर हटा दिया जाता।